वालेकुम जी, आज मैं आपको ये एक बहुत मज़े का सूप बनाना बता रही हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी उसमें ये मेरे पास तकरीबन, ये देखें थोड़ी सी मेरे पास ये बंद गोभी है बारीक कटी हुई, ये गाजरें हैं, ये शिमला मिर्च है और ये ब्लैक मशरूम्स हैं मेरे पास। इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, इसको मैंने पानी में घोल के रख लिया है। और ये एक अंडा है, इसको हमने अच्छे से बीट करके रखना है, ठीक है। और ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन था जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसकी स्टॉक अलग कर ली है, और जो इसकी बोटियाँ हैं उसको मैंने श्रेड कर लिया है। 4 टेबल स्पून मेरे पास ये सोया सॉस है और 1 टेबल स्पून इसमें ये सिरका जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें ये ब्लैक पेपर है और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट है, ठीक है। नमक और जो ब्लैक पेपर है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सोया सॉस में भी नमक होता है, ठीक है। ये स्टॉक देखें चिकन की, ये काफ़ी देर से पक रही है, ठीक है। और अब हम सबसे पहले इसमें ये हम सब्जियां ऐड करेंगे। ये मैं इसमें बंद गोभी, गाजरें, शिमला मिर्च और ये जो ब्लैक मशरूम्स हैं ये सब चीज़ें मैं इनको ऐड कर दूंगी इसमें। और इसको कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप जब हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे तो लकड़ी के चम्मच से हिलाएं, उससे जो है ये बहुत अच्छे तरीके से थिक होता है। और इस टाइम मैंने स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ चिकन की ये स्टॉक है। अब मैं इसमें जो है ये चिकन ये भी इसमें सारा ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ इससे बहुत जल्दी और झटपट जो है ना हमारा सूप जो है ना ये तैयार हो जाता है, और आजकल आगे मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें ये बहुत ही मज़े का लगता है। सिरका मैं अभी कम ऐड कर रही हूँ, आपने पहले इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना, जब आप खाएं तो उस टाइम आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये इसमें ये नमक और काली मिर्चें भी जाएंगी। अब मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्चें, ये तमाम वेजिटेबल्स और चिकन सब कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। और हम इसका एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जी अब तमाम चीज़ों को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून मैंने इसे पानी में मिक्स किया हुआ है। हम इतना ऐड करके देखेंगे कि हमें और इसकी थिकनेस की ज़रूरत है या नहीं। इसको आपने अंदर इसके अंदर डालते जाना है और इसको हिलाते जाना है, ठीक है। ये देखिए बड़ा अच्छा ये थिक हो गया है। अब अपनी इसकी थिकनेस भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना थिक बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम अच्छी तरह 2-3 मिनट बॉईल करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जी इसको ये तकरीबन 2 मिनट्स हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए, ठीक है। अब कॉर्नफ्लोर का जो स्मेल है उसकी वो अच्छे तरीके से कुक हो गया है, ठीक है। अब मैंने ये अंडे को बड़े अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी, ये आपने स्लो स्लो ऐड करना है और इसको हिलाते जाना है। उससे ये इसके अंदर अंडा बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना वो इसमें नज़र आएगा। और ये जो स्टॉक थी ये तकरीबन मेरे पास ये 5 कप्स जो थे ना वो थे इसके स्टॉक के। जी अब ये सूप देखें हमारा बड़े अच्छे तरीके से अब रेडी हो गया है। इसमें अंडा मिक्स करने के बाद आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अंडा बिल्कुल इसमें आपने सर्विंग के टाइम पे इसमें मिक्स करना है, ठीक है। और हमें ज़रा इस तरह थोड़ा
ये इस तरह मोटा मोटा पसंद है। आप इसे चाहें तो अगर आप ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल एक बारीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप इसको सर्व भी करके दिखाती हूँ। जी ये हमारा सूप देखें, बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुश रंग, और ये बिल्कुल रेडी है। और इसमें ये मशरूम्स का और इन सब वेजिटेबल्स का एक बहुत ही मज़े का जो है वो फ्लेवर बनता है, तो आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आगे मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें ये बहुत ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट और भी सूप की रेसिपीज़ दूंगी, लेकिन मैं ये वाला जो है इस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा बनता है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।